थोड़ा सा नीचे कर लो भाई। आ रहा भैया अंदर भाई को बोला अंदर कर लाइए नीचे कीजिए ना आईडी भाई तू हाथ को पीछे करना यार तेरा सब जगह आ जाता है कभी हाथ आता है तो कुछ आता है का उसने हाथ की लो पहले ही और मैंने उसे कहा था कि आईडी लैंड पे रखा है आईडी लैंड पे रखा है उनसे बात कीजिए किसका आईडी भाई उनसे कहा था सरकार से लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता पूर्वक अरे खेल मत आज उसका ही दुश्मन हुआ देख रहा अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं आज सड़कों में घुसे जा रहे हैं घसीटे जा रहे हैं चोटिल हो रहे हैं जख्मी हो रहे हैं ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। सर ये नहीं लग रहा है सदन के अंदर आपका रुख क्या रहेगा? देखिए सदन के अंदर हमारा रुख बहुत ही कड़क रहेगा। इस विषय में हम छात्र के मुद्दों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सदन के पटल पर रखने का कार्य करेंगे। जयराम जी कई छात्र अस्पताल में जेरे इलाज हैं आप देखने जाएंगे? जी कल के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे जैसे ही हम रांची छोड़ेंगे उनसे मिलने जाएंगे। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीति हो रही है कोई मुद्दा ही नहीं है आप लोगों के पास। देखिए सबसे पहली बात जब भी कोई सरकार में आती है तो अपनी त्रुटियों को अपनी खामियों को बचाने के लिए सरकार इसी प्रकार का बयान जारी करती है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। राज्यपाल राज्यपाल के अभिभाषण में क्या ऐसा लगा कुछ बताइए आपको जिसका आप जिसे आप सहमत नहीं है? देखिए राज्यपाल का अभिभाषण बिल्कुल उसका उनको उन्होंने जलवसन कहा उसमें बहुत बेहतरीन बातें रही और जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उन विषयों को उन्होंने सुझाया उस दिशा में कार्य करने का उन्होंने पहल करने का आश्वासन दिया है। तो निसंदेह आज राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण रहा वो राज्य के लिए संतोषजनक रहा। बजट पर क्या कहना? देखिए बजट पर अभी चर्चा होगी बजट पर मैं नहीं बात करेंगे। भैया योजना जिस तरीके से आपको लगता है कि नहीं आसान भी होगा उसके लिए आपको कटौती करना होगा हो सके उसके लिए आपको मैंने बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ आपको बहुत कटौती करना होगा। जरा भी आप क्या आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए हमारा स्टैंड जनता के लिए रहेगा जो भी विषय या फिर जो बजट लगेगा कि वो जनता के लिए हितार्थ के लिए उनका स्वागत होगा लेकिन जो लगेगा कि यहाँ ये नहीं होना चाहे तो उस पर हम मुकर के बात को रखेंगे। योजना पर जयराम जी का क्या स्टैंड है? उस पर स्टैंड मेरा पहले भी वही था आज भी वही बिल्कुल गलत स्टैंड है। आप 18 साल की लड़की को अगर 2,500 रुपये फ्री में देंगे तो जैसी बात है वो अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं खो देगी और कहीं ना कहीं वह आलस स्वभाव की हो जाएगी। नहीं सशक्तिकरण नहीं है बिल्कुल महिलाओं की सशक्तिकरण का मतलब उन्हें पढ़ाइए आप सुरक्षा को मजबूत कीजिए। जब एक बेटी 12 बजे रात को भी घर से बाहर जाए तो उसे ये भय ना लगे कि उसके साथ रास्ते में कोई घटना घट सकती है। सशक्तिकरण का मतलब फ्री में 2,500 रुपया देना नहीं होता है। सशक्तिकरण का मतलब उसे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना। माने आप इसका विरोध कर रहे हैं मैया सम्मान योजना? सरकार के बजट पर ही असर पड़ेगा। सरकार को मैया सम्मान योजना को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे विषय हैं जिनमें कटौती करनी होगी। अभी हाल ही फिलहाल पेपर में पढ़ रहे थे कि कुछ कई हजार बच्चों का जो मिड डे का मील है वो नहीं दिया जाएगा। वो मिड डे का मील इसलिए नहीं दिया जाएगा कि उस पैसे को मैया सम्मान की भरपाई में योगदान दिया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण में मुफ्त शिक्षा की भी बात कही गई है। जी हम लोग का भी चुनावी नारा यही था PG-2 KG। उन्होंने PhD बढ़ाया है कि मैंने KG-2 PhD निःशुल्क शिक्षा पर राज्यपाल महोदय ने पहल किया है। देखिए दोबारा नहीं लेकिन जो चूँकि वो 3 विधानसभा का मामला है तो तीनों विधायक इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है और उस दिशा पे कार्य चल रहा है। हम लोग अपने स्तर से भी जो हमारे साथी बाकी विदेश में रहते हैं उनसे हम लोगों ने लाइनअप करने को कहा। हमने कहा गैर सरकारी सुविधा और सहायता भी अगर उनको मिल पाती है तो आप वहाँ पर पहुँचाएँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।